ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता होगा वैशाख महीने की जो नवमी तिथि है वो 10 मई 2022 को है। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर भटकता है, पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले लाइक करें आवाज़। पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, देखो कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है ये समझिएगा। आपको ज़रूरत है एक पान के पत्ते की। जो लोग पान खाते हैं उसी एक पान की ज़रूरत है, लेकिन वो पान का पत्ता खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और समझाता हूं। आपको लेनी है कोई भी एक चीज, जैसे या तो आप पीला चंदन ले लें या फिर आप लाल चंदन ले लें, दोनों में से कोई एक चंदन ले लीजिएगा। अगर आपको इस तरीके से पीला चंदन मिलता है और इसको आप घिस करके पेस्ट तैयार करते हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप मार्केट से आप जो पाउडर मिलता है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या करिएगा, पीले चंदन या फिर लाल चंदन से माता सती यानी कि माँ पार्वती और भगवान श्री शंकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस पर लेपन करिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको शिव पार्वती का नाम तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ माता सरस्वती का भी नाम लेते हुए इस पर अच्छे तरीके से या फिर पीला चंदन या फिर लाल चंदन से लेपन कर देना है पान के पत्ते पर। ठीक है, अब समझिए क्या करना है। आपको चाहिए 3 शमीपत्र। ठीक है, कितनी, 3 शमीपत्र भी आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको चाहिए 5 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटी फिटी ना हो, एकदम प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बेलपत्र लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यह उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है। ठीक है, अपने बच्चे को उस पान के पत्ते को जिस तरीके से देखो बेलपत्र चढ़ी हुई है, इसी तरीके से आपको पान के पत्ते को चढ़वाना है और अपने बच्चे से ही आपको शमीपत्र चढ़वाना है और अपने बच्चे से ही आपको बेलपत्र भी चढ़वाना है। ठीक है, यही काम आपको करना है 10 तारीख को। आपको पता है जो 10 नौमी तिथि होती है बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है अगर आप यह उपाय कराते हैं तो। अब आपके दिमाग में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा कि भैया मान लीजिए कि मेरा बच्चा उपाय करने को नहीं तैयार है, वो नहीं कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करूँगा ये सब। तो जो भी माँ है जो भी पिता है आप इस उपाय को कर लीजिएगा अपने बच्चे का नाम लेके। ठीक है, बस यही छोटा सा सुंदर सा उपाय आपको करना है। यकीन मानिए अगर आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे का जो दिमाग है वो सही डायरेक्शन में सही दिशा में लगेगा और उसका मन पढ़ाई में और अपनी जो भी उसका भविष्य है उसमें लगने लगेगा। तो कोशिश की है मैंने आपको अच्छा समझाने की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझसे नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछा करिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।